सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो भाई आज मैं आपको बता दूं, आज हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 12:11 हो चुके हैं। आज मैंने सुबह सुबह व्लॉग जब डेजी को घुमाने गई थी तब मैंने शूट नहीं किया, तो मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा था कमर में, तो मेरा मन नहीं किया सुबह सुबह शूट करने का। और पापा आज गए हैं भाई बैंक अपने काम से। और दूसरा क्या कह रही थी मैं, अभी मैं वीडियो ऑप्टिमाइज करके आई हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। आज यीशु ने आलू के पराठे बनाए थे, और पापा के लिए यीशु ने आलू ने ही वेजिटेबल सैंडविच बनाया था। और अब यीशु खाना बना रही है क्योंकि पापा आने वाले हैं, और हमको अब टाइम मिला है वीडियो शूट करने का, है ना। और मैंने हाई भी नहीं हुआ आज, पता है क्यों? क्योंकि पंखे साफ कराए हैं। मतलब पंखे क्या, पापा के रूम का साफ कराया है, क्योंकि ये वाले जो हॉल वाले पंखे है ना, ऊंचे है ना, तो ऊपर से वो लाना पड़ेगा सीढ़ी वाला, तब जाके, हाँ गोड़ी लानी पड़ेगी, तब जाके साफ होएंगे भाई। बाकी दीवारें वगैरह साफ की है पापा के रूम, पापा ने दिमाग खराब किया हुआ था बहुत ज्यादा कि साफ करवानी है ये। अब आपको पता है कि काम यार खुद के करने से ही होता है। अभी तक मेरे कपड़े ना गीले पड़े हैं, पता है आपको, अभी तक, क्योंकि मैं क्या बोलूं, मेड तो बाहर नहीं धोया मैंने, सारा पाइप लगा के सारा बाहर धोया भाई मैंने, पूरे कपड़े गीले पड़े मेरे अभी तक भी, तो ये धोया हुआ तो ये सीन है। पीछे ही पड़ रहे हो, मतलब की मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता काम कराने का मतलब यहाँ पे है कि आप उसके पीछे पीछे घूमते रहोगे। और ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर आप खुद ही कर लो सही बात है, इंस्ट्रक्शन दो, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन देना पसंद नहीं है। मुंबई में भी मैं जब रहती थी ना, बहुत बुरा लगता है ऐसा कहना मुंबई में रहती थी। वैसे मैं बता दूं कि मुंबई की, मुझे आप लोग बोल रहे हो कि मतलब मुंबई के बारे में कोई बात नहीं करती, मुंबई की याद नहीं आती, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा याद आती है मुझे मुंबई की भी, मुंबई वाले घर की भी, और जो वहाँ पे चीजें चल रही थी उसकी भी। अगर आप लोग मंडी मिस कर रहे हो तो मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ मंडी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मजा नहीं आ रहा मेरे को, अभी तक मैं गई नहीं हूँ ना मंडी यहाँ पे, तो वो मजा भी नहीं आ रहा। हाय मेरा बच्चा चिल्ला रहा है ऊपर, बाबू फोन पकड़ जल्दी, मैं लेके आती हूँ गाइस। मेरे बच्चे बेचारे ऊपर चिल्ला रहे हैं, आ जाओ, आपको ऊपर का भी एक बार हाल दिखा देती हूँ क्या हो रहा है। शुभी मेरी राजकुमारी, अले ये गुंजी। ऐसा नहीं है कि हम इनको पूरे दिन कमरे में बंद रखते हैं, नहीं, खुले रहते हैं, कमरा खुला रहता है, फिर ये यहाँ पे घूमते रहते हैं, नीचे भी आ जाते हैं, ये नीचे भी आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साहिब जी, अच्छा जी, ये देख लो जी, ये देख लो जी, साहिब जी सारा मुंह काला करवा के ठीक है, और कहाँ पे बैठे हुए साहिब जी, आ जाओ नीचे महाराज, नींद पूरी हो गई हो तो आपकी। सो गाइस, भाई अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, और हम कर रहे हैं पापा का वेट, क्योंकि पापा आपको पता है सुबह से गए हुए हैं, लेकिन अभी अभी पापा को फोन किया, अब वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि भाई मैं लंच कर चुका हूँ, तो मतलब समझ रहे हो आज तो पार्टी हो गई होगी फिर, क्योंकि अब उनको किसने थोड़ी ना कहा होगा कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, मस्त भाई ये भी मंगा लो वो भी मंगा लो, है ना डुगू, पता नहीं क्या तो रहे, किसी घर पे खाया, घर पे गया है, तो फिर बाबू मेरे जुल्फे जो आ रहे भी चीनी वाली पी ली होगी आज तो, वैसे पीते नहीं है आजकल, देखो सच बात बताऊँ तो, मतलब बाकी पता नहीं नहीं बोल देते हैं, नहीं उनको थोड़ा है अपना चिंता, आजकल बोल देते हैं कि मीठी नहीं पीऊंगा, तो मे भी उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा होगा और मीठी चाय नहीं पियोगी। तो भाई आज का दिन हमारा ऐसा गया, मैं आपको बताऊं, आज हमने वो भैया को बुलाया था दूसरी अलमीरा सेट करने के लिए, बट वो आज नहीं आ पाए, तो मे बी वो कल आएंगे। और मैंने आप सभी लोगों की वजह से अपनी जुल्फे बंधी हुई खोली है अभी, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि मैं बाल बांध के रखती हूँ, बाल नहीं खोलती क्योंकि मुझे गर्मी लगती है, फिर से वही सड़ी गली बात बोलूंगी कि मुझे गर्मी लगती है, बट यही सच्चाई है गाइज, और आप लोग देख सकते हो। और मैं जब से मैं होम्योपैथी वाले अपनी दवाइयाँ और शैम्पू यूज कर रही हूँ, तो टचवुड मुझे को काफी काफी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अपने बालों में। पता मैंने डेजी को ऐसे क्यों उठा रखा है, कह रही है मैं बच्चा पकड़ने की प्रैक्टिस कर रही हूँ सुबह से, ये ऐसे अभी बताती हूँ डुगू ने क्या किया। मैं अंदर थी, मैं नहा के आई, मैं वो अंदर थी, ये ना डेजी को लेके ना ऐसे आए, तो मेरे को बोलते हैं कि पकड़ी से सुबह से दुखी कर रखा है मुझे। मैंने कहा छोड़ दो नीचे, नहीं तू ही पकड़ेगी। मैंने कहा तो छोड़ने में क्या दिक्कत है, कि नहीं मैं ना पकड़ने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वैसे पकड़ने की प्रैक्टिस कर रही हो, बेबी अडॉप्ट करना है तुमको, बच्चा अडॉप्ट करने की प्रैक्टिस, बच्चा अडॉप्ट करने की, परसों ही कह रहे थे मुझे कि अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, तो फिर मैं बता रही हूँ मेरी छाती में मूंग दलने के लिए बच्चा गोद मत लेना। हाँ अगर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी हो तो ही लेना भाई, पहले ही बता दो, हमें बेबी प्लान करना चाहिए। हाँ प्लान करना चाहिए, पहले पापा को और आपको थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, उसके बाद सोचूंगी मैं तीसरे बच्चे के बारे में, अभी तो दो ही बहुत है। हाँ तो मेरे को अपनी जिंदगी के बिल्कुल ही वो करनी है क्या, अभी तो मैं जूड़ा बना लेती, फिर जूड़ा में बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, मेरे बाल यूं पड़े रहेंगे पिकरे हुए कुत्ते के जैसे। गाइस देखो मेरी नई लुक अच्छी लग रही है, मैंने आज ये पहना है डुगू का ये वाला लोअर ट्राउजर वाला, और अपनी ये वाली शर्ट, वैसे कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है ये स्काई ब्लू पे ना ये वाला। आज मैंने बनाया है बहुत ही टाइम के बाद आलू मटर बनाए हैं,
आज सुबह ना पापा के लिए तो सैंडविच बनाया था और हमने थोड़े पराठे बना लिए थे अपने लिए दो दो, फिर उसके बाद ना थोड़े आलू रखे थे तो फिर मैंने सोचा आलू मटर बना देती हूँ। तो ये देखो मटर और आलू सिंपल से बनाए हैं बिल्कुल। आई होप ये बढ़िया बने होंगे। और पापा के कहने से आज मैंने काफी सारी जगहों की सफाइयाँ करवाई भी है और खुद करी भी है, जैसे कि पापा का रूम साफ किया, दीवारें उसकी पोछी मैंने। एक तो बाहर कोई भी आए तो ऐसा लगता है कि यही आ रहा है करके। बाकी कृष्णा जी से मिल लो, इनके जो बांसुरी है वो मुझे अभी कोई कार्टन में है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? ये देखो। और भाई नवरात्र भी आने वाले हैं, नवरात्रों के साथ साथ हमारी एनिवर्सरी आने वाली है और उसके बाद आने वाला है करवा चौथ और उसके बाद आने वाली दिवाली, उसके बाद आने वाले मेरे बर्थडे। तो भाई इतने सारे सेलिब्रेशंस आने वाले हैं गाइस, देखो जितने सेलिब्रेशंस उतनी ज्यादा शॉपिंग और उतनी ज्यादा डुग्गू के खर्चे। हाँ खर्चे तो डुग्गू के ही होंगे। हाँ भाई क्या क्या दिलाने वाले हो फिर, जो अंधेरा कर रखा है इस घर के अंदर? पहले है एनिवर्सरी, एनिवर्सरी पे क्या दिलाओगे पहले बताओ? बहुत दिला देंगे। उसके बाद करवा चौथ है, उस पे क्या दिलाओगे बताओ? क्या लेगी तू? क्या दिलाओगे यहाँ पे बताओ? मेरे को इस बार कुछ डिफरेंट चाहिए। मुझे क्या पता, प्यार ले ले। प्यार तो है ही चाहिए ही, वो तो दो गई, पर मेरे को कुछ पहनने के लिए भी तो सुंदर सा चाहिए। उसके बाद मेरा बर्थडे भी है, बर्थडे से पहले दिवाली भी है, सारी चीजें मेरी हमारी शादी के बाद के पहले पहले है ये। तो आपको मेरे को कुछ देना बनता है कि नहीं? मैं कह रही हूं कि स्पेशल होने वाले हैं। देखो अभी सबसे पहले आ रहा है एनिवर्सरी, फिर उसके बाद क्या है करवा चौथ, फिर उसके बाद दिवाली, फिर उसके बाद बर्थडे, फिर उसके बाद कृष्णा जी का बर्थडे, फिर उसके बाद साहिब का बर्थडे, फिर उसके बाद है होली। होली मार्च में, मार्च आ गया ना, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, फिर हमारे अप्रैल में जून में तो वैसे ही डाउन चल रहा ये सही था, अप्रैल में जून में तो वैसे ही डाउन चलता है, ये सही था। हाय कोई देजी का बर्थडे नहीं मनाता। हाय मेरा भाई, देजी आपकी सौतेली मम्मा ने आपका बर्थडे नहीं मनाया? देखना पड़ेगा व्लॉग। व्लॉग में होना चाहिए, व्लॉग क्यों नहीं बनाते थे? व्लॉग बनाते थे मेरे हिसाब से तो, बनाते थे। हाँ बनाते तो थे डुगू, कैसी बातें कर रहे हो? उसमें तो छोटी भी होएगी फिर, मेरे हिसाब से तो होएगी। शायद अपने नहीं लिया था मम्मी के डर से। हाँ बहुत दिन तक कहाँ दिखाया था कि डांट पड़ेगी। नहीं यार डेजी नहीं आई अपने साथ व्लॉग में, नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे डुग्गू, कैसी बातें कर रहे हो? दो ही साल तो हुए हैं, अभी देख लेना मैं दिखा दूंगी आपको। सो गाइस अभी आए हैं हम डेजी को घुमाने। आज डेजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, डेजी के थोड़े से स्टमक में दिक्कत हो रही है कुछ ना कुछ तो, और आज डुग्गू के भी स्टमक में दिक्कत हो रही है, दोनों पेट पेट वाली दिक्कतों के मारे हैं ये। और ये देख लो साथ में हमारी टीम, ये देख लो। तो भाई ऐसा ऐसा है, और अभी आज हम जाएंगे मंडी, आप लोग बड़ा मिस कर रहे हो ना, आज हम जाएंगे मंडी सब्जियां लेने, ठीक है? गाइस ये जो टेक आप देख रहे हो ना, ये टेक सिर्फ इसलिए है क्योंकि सूरज जो है वो हमारे सीधा मुंह पे पड़ रहा है तो हमारी स्किन ग्लोइंग लग रही है मतलब ये बहुत अच्छा शूट आता है, इसीलिए दिखा रहे हैं हम ये शूट आपको। तो थोड़ा रोमांटिक शूट कर लेते हैं बाबू। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चाचा के घर पे, आपको पता है हमारे एक डॉक्टर चाचा हैं तो हम उनके घर पे जा रहे हैं। ये देखो हमारी धनो भी बताया नहीं उन्होंने, बट हम भी चले जाते हैं। चलो गाइस फटाफट चलें। सो गाइज अभी चाचा के घर से तो हम लोग आ चुके हैं भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली आज सब्जी लेने के लिए। तो यशु और मैं जा रहे हैं भाई अकेले, और सब्जी मंडी हमारे घर के पास ही लगती है। तो ये देख मिल गया ना? हाँ ये वाला मिला है। इसमें क्या काम चलेगा डुगू? चल जाएगा थोड़ा बहुत, तो बहुत बड़ा है ये, पकड़ फोन। चलो गाइज चलें, हवा चल रही है मस्त, कम ऑन लेट्स गो। देखते हैं क्या रेट है सब्जियों के, देखेंगे सब्जियों के क्या। ये है अपने यहाँ की सब्जी मंडी, मेरे को नर्वस करते रहते हैं कि आप यहाँ पे देखते क्यों व्लॉग, पहले बताओ। आप सामने से तो देखते रहते हो, फिर आप टीवी पे भी देखते हो पापा, वो भी फुल आवाज करके 200% वाली। छोड़ो अब नहीं बोलेंगे, वहाँ पे जाके देखना कैसे बोल रहे थे पापा। व्लॉग में कंटेंट देना बहुत जरूरी है, बोलना पड़ेगा पापा, मेरे को नहीं पता। आपको पता है लुधियाना वालों ने कितने महंगे दिए? ये 10 रुपए का दिया है, 4 पत्ते बता आपको पता है, 10 रुपए ही है, 10 रुपए ही है। ओ इसमें तो और भी कम है,
20 रुपए का, और हमारे वहाँ मुंबई में 20 रुपए को इतना इतना धनिया आता था। ये दिया है 30 रुपए का अदरक है, और ये दिया है पालक, ये भी 30 रुपए के दिए। उस दिन मम्मी 20 रुपए का लेके आई थी एक गुच्छी वहाँ से। न्यू मंडी का नाम यूं ही बदनाम है कि सस्ता होता है। गाइस ये है पाइया, बोलते हैं मुंबई में पाव, नहीं 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 पाव किलो, मुंबई बोलते पाव किलो, यहाँ बोलते पाइया पाइया। ये है पाव किलो मिर्ची, यहाँ का पाइया 30 रुपए। ठीक है गाइस, इसमें तीन चीजें हैं, ये है तोरी, ये है अरबी, और ये है मशरूम। मशरूम है 40 रुपए, तोरी है 60 रुपए थी आधा किलो 30 रुपए की, और ये पाव है कितने की, ये भी 30 रुपए की है मेरे ख्याल से। पाव 30 रुपए की, अरबी 80 रुपए किलो बोला था शायद, तो 20 रुपए की होगी। खीरे पाव है, पाव लेके आई हूँ अभी तो मैं, सिर्फ अपने लिए लेके आई हूँ 40 रुपए किलो। चल खीरे का तो, खीरे तो ठीक है, खीरे तो ठीक है। भिंडी, भिंडी है 20 रुपए की आधा किलो, ये भी ठीक है, भिंडी भी ठीक है। ये है लहसुन, ये 50 रुपए का, इतना सा मुंबई में सस्ता है ये भी। मेरे को तो धनिया धनिया का दुख हो रहा है, और पालक का बस। और ये जो गोभी है ना, ये भी धोखा ही है, मैं बता दूँ मुंबई में भली पीस के हिसाब से मिलती है, यहाँ पे उसने अपने को दी है, उसने बोला मेरे को 60 या 70 रुपए किलो बोला, तो ये आधा किलो है, तो ये 60 या 70 हो गई 35 रुपए की, और अपने यहाँ पे इतना बड़ा पीस मिलता है 20 रुपए का। नहीं, और अगर इससे भी बड़ा ले सकते हो, अपनी मर्जी से ले सकते हो, साइजेस का पंगा नहीं है ना। हाँ, अपनी मर्जी से कोई भी पीस ले सकते हो। पत्ता गोभी वहाँ पे क्या करते हैं पापा, गोभी ना किलो के भाव नहीं मिलती, ना ये वाली ना वो, पीस के हिसाब से मिलती है कि ये 40 की है। तो यहाँ पे भी सलाद की तरह ही खाती है। ये है 40 रुपए किलो, नहीं 50 रुपए की है ये एक किलो। हाँ, मूली की आधा किलो बोला था उस भैया ने, फिर बोला था 50 फिर सर्दियों में सस्ती मिलेगी है ना, देखते हूँ सर्दियों में सस्ती मिले। बता दूं कि यहाँ पे सस्ती है कैसे, मुंबई में एक पीस मिलता है 15 रुपए का। ये पहाड़ी गाजर मूली होती है, आपको पता है मुंबई में एक पीस मूली का 15 रुपए का मिलता है। कहाँ मुंबई है, जहाँ पे हम रहते थे इससे पहले, मुंबई मतलब कोई कॉलोनी का नाम है। हाँ, कॉलोनी का नाम है ये गिया। ये कितने की है, घिया भी वहाँ पे पीस के हिसाब से मिलता है। ये पता नहीं कितने की थी, 40 रुपए किलो थी, तो ये 20 रुपए की है। बस खत्म हो गया सारा मामला, यहाँ तो हम बहुत कम सब्जी लाए हैं, सब्जियाँ थी ही नहीं यहाँ पे ज्यादा, वहाँ पे बहुत होती हैं सब्जियाँ ये। और फिर पापा की वजह से भी नहीं लेके आए कुछ सब्जियाँ, तो हम तो पापा को सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ही खानी है। जो नहीं लेके आई वही पूछा है, आलू नहीं लेके आई, सोचो मैंने आलू का सैक्रिफाइस कर दिया, गोभी नहीं लेके आए हम जानबूझ के। किलो थी गाइस गोभी भी, बता दो। हाँ, सब्जी बहुत महंगी है, बचत करनी पड़ेगी ससुराल में आके, है ना पापा। एक तो आपके मैंने पैसे बचा दिए, पैसे मैं तो पर्स ले गए, तो मर्जी ले आते। अच्छा पापा हमेशा पर्स पकड़ा देते हैं अपना, तो मैं अच्छी बहू हूँ ना, आपकी बचत की, एक तो पर्स बचा के दिए पैसे आपको। मैं चाहे मैं डिम्पी को बोलता कभी लेने, मतलब पर्स ले लिया, मुझे पता ही नहीं होता पर्स में क्या है क्या नहीं। ये तो पापा की शुरू से आदत है, जब अलवर आते थे ना, जब अलवर आते थे तब बताना क्या होता था। नहीं, पहले बताओ अलवर जाते थे तब क्या होता था, सारे मेरे वो सिक्के होते थे ना जो कलदार, अरे पता ही नहीं चलता था। पापा ना भरा पर्स लेके जाते थे, क्योंकि पापा कभी कभी आते थे अलवर, जैसे पंजाब जॉब थी तो पापा भरा हुआ पर्स लेके जाते। पापा को पहले कैश रखने की बहुत आदत थी, कैश ही रखते थे। हाँ, आजकल कम रखते हैं, तो भर के पर्स जाते थे, और जब जाते थे ना वापस खाली मिलता था, हम उसी में से खर्चा होता था, घर का भी खर्चा उसी में से चल रहा, सब उसी में से चल रहा है। दो दिन में खत्म मामला सारा, लॉटरी की चीजें खत्म किया। नहीं, व्लॉग में नहीं की, बता जरा कितनी लॉटरी खींचते थी यार, वो छोटी थी तब मैं, आप बता दो कितने पैसे खींचते थी। अरे 1 रुपए की लॉटरी, 150 रुपए की, नहीं 60 रुपए की, 60 शुरू आ गए। पता क्या हुआ, मैं बताती हूँ गाइस, देखो क्या हुआ। मैं थी, ये बात पापा कब की होगी, ये बात कौन सी क्लास में होगी, मैं फोर्थ फिफ्थ की बात होगी है, ठीक है। तो भाई हमारे वहाँ पे एक शॉप थी, पप्पू भैया की शॉप, ठीक है। वहाँ पे लॉटरी सिस्टम चलता था। अब है ना, उन्होंने
वो ना लॉटरी थी एक रुपए की दो लॉटरी थी शायद वो 50 पैसे की वो जो कागज के अंदर होता नंबर। और मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर थी उस टाइम पे, तो मेरे को समझ नहीं आया कि एक रुपए की कितनी लॉटरी खींचनी है। तो जैसे मैंने दो लॉटरी खींची, तो दो लॉटरी जब मैंने स्क्रैच की ना, तो उसने बोला कि तेरे इसमें ये निकला इसमें निकला। मैंने कहा अच्छा निकला है तो मतलब और भी खींच सकते हैं, तो उसको तो अपनी दुकान चलानी थी। ठीक है, ऐसे करते 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 ना मैंने ना ऐसे करते 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 ना 60 रुपए की लॉटरी खींच ली। अब आप समझ रहे हो जिस टाइम पे एक रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, उस टाइम पे 60 रुपए की लॉटरी खींच लेना मतलब इस टाइम के मैं अगर लगाऊं हिसाब तो 4-5 हजार तो बन ही जाएंगे पापा आराम से, है ना। इतना मतलब 100 रुपए खींच ली। फिर उसने बताया, फिर मैंने कहा फिर कहता है वो लॉटरी पता कौन सी थी जिसमें वो स्क्रैच करना पड़ता है, उसमें क्या हमारा कैसे निकालते ये ना मतलब कोई चीज है आइटम लगी हुई है मतलब 5 रुपए इसके अंदर, तो ऐसे तो ऐसे करके देते थे ऐसे करके देते थे अब ये इसको इसी को खींचेंगे। अच्छा मैं तो ऐसे कोई भी खींच ली थी मैंने तो भैया ऐसे मैंने पूरा पत्ता उसका साफ कर दिया लॉटरी खींच के। ठीक है, फिर बाद में पता चला 60 रुपए की जी लॉटरी खींच ली मैंने। अब पैसे तो मेरे पास 1 रुपया था है और लॉटरी खींच ली 60 रुपए की। मैंने वो क्या जी भाई दे 60 रुपए की लॉटरी खींच ली, तो मैंने कहा रुको भी मैं घर से लेके आती हूँ। और मैं घर पे गई और मैं जाके सो गई। ठीक है, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। नानी कह रही है ये आई एकदम से और ये सो कैसे गई, मतलब क्या हो गया इसको, मतलब मैं ऐसे हेड डाउन करके नीचे और लेट गई। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वो आया दुकान वाला कहता है आपकी बेटी 60 रुपए की लॉटरी खींच के आई है। सबसे पहले तो मेरी नानी ने उसको डांट लगाई कि तूने 60 रुपए की इसको लॉटरी कैसे खींचने दी, वो तो बच्ची थी तू तो समझ। उसके बाद जो मेरी सुताई हुई भाई, बिठाई हुई थी आपकी बैट से बिठाई हुई थी नानी ने बैट से। ये तो नहीं बताया आपने मेरे को आज तक। नानी ने बैट से मारा, साल नहीं हुआ इसलिए नानी ने बैट से मारा। नानी ये हमको ना मतलब मेरे ख्याल से नानी ने ज्यादा मारा जहाँ तक मुझे, तो नानी ने जानी के साथ ही रहा तो वही पीटेंगे आपको और कौन पीटेगा। मम्मी तो ऑफिस होते थे, पापा ने बस मेरे को अभी तक याद है पापा ने बस मेरे को एक बार मार दिया, उसमें भी नानी बीच में आ गई थी, नानी को पड़ गए थे मतलब नानी के पापा ने नहीं मारा नानी बीच में आ गई थी तो नानी के लग गया था, इतनी जोर से लगा था। लेकिन मेरे को पता अच्छे से याद है कि एक ही बार पापा ने मारा था, मुझे बात भी नहीं ध्यान किस पापा किस बात पे मारा था, मेरे को भी नहीं याद किस बात पे मारा था, बट ये जरूर इसलिए याद है क्योंकि नानी के लगा था, इसलिए याद है कि मैं पिटी थी उस टाइम पे। वैसे पापा ने किसी को भी नहीं मारा हम तीनों बच्चों में से, ये रिकॉर्ड है आज तक का। सही कह रहे हो। और मम्मी ने और नानी और मम्मी ने मुझे शायद नहीं मारा कभी भी जहाँ तक मुझे नहीं मारा ना कभी भी नहीं मारा। किसको मारा सबसे ज्यादा पिटा चीना और डिम्पी। चीना पिटी है। हाँ चीना पिटी है एक दो बार। चीना जिद्दी जिद्दी वो तो आज भी है वो बहुत जिद्दी स्कूल जाने के टाइम को पकड़ कर ऊपर छत पे जाके स्कूल न जाने के कितने नाटक होते हैं ना। मेरा भाई भी नहीं जा रहा था स्कूल, मैं तो जाती थी यार, मैं तो कभी नहीं रोई स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए मैं भी नहीं रोई, मैं कभी रोई नहीं। वो बात है कि अलग है कि मैंने कभी होमवर्क नहीं किया 8th क्लास तक, लेकिन स्कूल जाने के लिए मैंने कभी होमवर्क के लिए मार भी नहीं खाई डांट भी नहीं खाई, एक साथ पढ़ा। मैं तो स्कूल से आते ही करती थी। गैस कुछ रखा था, चावल का पानी। चलो गाइस, तो ये आपने देख लिया सब्जियों का रेट, लॉटरी की कहानी भी सुन ली। चलो गाइस, बाद में मिलेंगे। नहाओगी अब? चलो शुक्र भगवान का। हाँ पापा चलेंगे एक बार, काट देना इसमें से। हाँ ठीक है, पापा के गांव चलेंगे गाइस, पता नहीं किस दिन जाएंगे पापा, लेकिन जाएंगे तो जाएंगे तो है, पापा ने बोला है तो जाएंगे। अब हमारा गांव बंसी है ना, आप वहीं के तो बंसी के तो। मैं तो बहुत छोटा था। नहीं फिर आप मैं तो छोटा था। दादा रहे होंगे ना। छोटे में ही आ गए थे 84 मतलब छोटे में ही आ गए थे। किस कौन से ईयर में? 84 अपना जन्म भी नहीं हुआ था तब। अपना कहाँ से जन्म हो जाएगा? हाँ अपन तो 92 में पैदा हुए हैं ना, 84-92 आठ साल बाद पैदा हुए हैं। हाँ अपने मतलब मैंने एक पापा अच्छा अपन लेबर है मतलब बताओ पापा, मैंने एक बात बोली है कि अपन उसके 8 साल बाद पैदा हुए पापा। आपके जवाब समझ में नहीं आता, बड़े अजीब से हो जाते हैं। चलो गाइस चले, पापा की कंजूरिंग इंतजार कर रही है। चलो चले। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11:30 और हमने अपना जो डिनर है आज लेट किया, मतलब मैंने और डिगू ने लेट किया, पापा को तो जल्दी करा दिया था। और हम एक्चुअली थोड़ा सा बिजी थे
और फिर उसके बाद हम खाना खाने से पहले ही हम लोग डेजी को लेके टेरेस पे चले गए, क्योंकि डेजी का थोड़ा सा मूड ऑफ है, है ना, और उसका थोड़ा सा स्टमक भी यू नो अपसेट है, तो हमको लगा कि भाई वो थोड़ा खुश रहेगी क्योंकि वो अच्छा फील कर रही थी। तो हम आज मैं 2 साल से ज्यादा हो गए आज मैं टेरेस पे गई थी, और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना ऊपर का, तो सर्दी वाला फील नहीं होता, सर्दी वाला मौसम हो रहा था बहुत ही जबरदस्त वाला। फिर मेरे आने का मन ही नहीं कर रहा था, फिर हमने सुना कि भाई कॉलोनी में इतने ज़्यादा डॉग्स भौंक रहे हैं, चारों तरफ से डॉग्स के भौंकने की आवाज़ आ रही, क्योंकि किसी जगह से डॉग्स भौंक रहे होंगे तो फिर आजू बाजू वाले सारे सपोर्ट करने लग जाते हैं, वाह 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 हम भी हैं, वाह वाह वाह, सारे के सारे भाव भाव करे जा रहे थे। फिर हम लोग थोड़ा देखने चले गए कॉलोनी में कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई डॉग वॉक को लगी तो नहीं है। फिर गौरी दिख गई, फिर हम गौरी को ले आए, और अभी वो रेस्ट कर रही है, पता नहीं उसने अपना पैर थोड़ा सा ऐसे लटकाया हुआ है, पता नहीं अभी 3-4 दिन निकल जाएंगे फिर एक बार दिखाएंगे उसका पैर, आई विश के वो ठीक हो जाए। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो कोई नहीं, आगे की ट्रीटमेंट कराएंगे उसकी, ठीक है भाई। और डेजी की आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है कि उसने आज घास भी खाया और फिर थोड़ी वोमिट भी कर दी, तो वही पेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, बट उसने बाद में खाना खा लिया था, तो आई थिंक वो मॉर्निंग तक बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाएगी, मस्त हो जाएगी टनाटन। और अब हमको भाई सो जाना चाहिए, कल सुबह मिलेंगे हम आपको नए वीडियो के साथ। लेट हो गए हम सोने में, आज बहुत लेट हो गए, 11:30 हो चुके हैं, वो घड़ी आधा घंटा पीछे है, तो हम लोग सो जाते हैं आजकल 10:30, हाँ 10:30 तक हो जाते हैं। तो भाई चलो, कल के लिए बहुत सारे काम लाइन अप कर रखे हैं, वो सारे काम कराने हैं, तो जल्दी से सो जाते हैं, और कल मैं आपको शायद हो सकता है सूट में मिलूं, मैंने सोचा है कल मैं सूट पहन लेती हूँ, है ना, बहुत दिन से पहना भी नहीं है मैंने। और मैं आप लोगों से ये पूछ रही थी कि कौन कौन लोग ये चाहते हैं कि मैं अपना चूड़ा चेंज करके कोई और कलर ट्राई करूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना गाइस। बहुत ज़्यादा स्टाइल मार लिया मैंने, अब हमको सो जाना चाहिए भाई, सच में लेट हो रहा है, और दोनों अपनी दवाइयाँ खा लेते हैं और सो जाते हैं। और आप अपनी लाइंस बोल लो ना जल्दी से, क्यों तू भी तो बोल सकते कभी कभी, क्यों मैं क्यों बोलूँ, तो ही बोलेगी पूरा, तो मैं ही बोलती हूँ, आप कम ही बोलते हो वैसे भी। सो गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब भी कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।